आपको सीधा ले चलते हैं दिल्ली, जहां पर सीएम अरविंद केजरीवाल कार्यकर्ताओं को संबोधित कर रहे हैं। हम लोगों के लिए जब हम लोग जेल में थे, मैं, मनीष सिसोदिया जी, संजय सिंह जी, विजय नायर जी, अभी सतेंद्र जैन जी हैं, अमानतुल्ला खान है, उनको वो भी जल्दी आएंगे मैं उम्मीद करता हूं। जिन जिन लोगों ने हमारे लिए दुआएं की, मन्नतें मांगी, मंदिर मस्जिद गिरजे गुरुद्वारे गए, उन सब लोगों का मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं। जेल में काफी वक्त मिला सोचने का, पढ़ने का, और कई किताबें पढ़ी, पॉलिटिकल किताबें पढ़ी, अपने स्वतंत्रता के आंदोलन की किताबें पढ़ी, गीता कई बार पढ़ी, रामायण पढ़ी, महाभारत पढ़ी। आज मैं अपने साथ एक किताब लेके आया हूं, ये भी मैंने कई बार पढ़ी, भगत सिंह की जेल डायरी। आप लोगों ने पढ़ी है? पढ़ना इसको जरूर, खरीद लेना, खरीद के इसको पढ़ना, भगत सिंह की जेल डायरी। जब भगत सिंह जेल में थे आज से 90-95 साल पहले, उन्होंने जेल के अंदर अपने लेख लिखे थे, वो लेख इसमें है, और जेल के अंदर से उन्होंने बाहर कई लोगों को खत लिखे थे, उन्होंने अपने क्रांतिकारी साथियों को खत लिखे थे, उन्होंने देश के युवाओं के नाम खत लिखे थे। बलिदान से पहले साथियों को अंतिम पत्र 22 मार्च 1931, ये खत उन्होंने जेल से लिखा और उनके साथियों तक पहुंचाया अंग्रेजों ने। बटुकेश्वर दत्त की बहन प्रोमिला को पत्र, बचपन के दोस्त जयदेव गुप्ता को पत्र।